आज के वीडियो में हम लोग लहरा सीखने वाले हैं। काफ़ी डिमांड आप लोग की आ रही थी, तो आज फाइनली लहरा पर वीडियो बना रहा हूं और शुरुआत कर रहा हूं तीन ताल के लहरे से जो राग चंद्रकोंश में है। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, मैं एक एक इफेक्ट आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से स्वर इसमें प्रयोग होंगे और जो बोल हैं तबले के वो भी मैं आपको गा के बताऊँगा और नंबर भी गा के बताऊँगा और तीनों को आपको लिखित में देने वाला हूँ मैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहें और बहुत आसान है इसको बजाना, मैं जितनी आसान पद्धति से हो सकता है आपको समझाने की कोशिश करूंगा और लिखित में भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए सबसे पहले लहरे को समझ लेते हैं कि लहरा है क्या। देखिए लहरा जो है, जब भी हम कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं तो इसमें हारमोनियम वाला और तबला वाला दोनों अपनी कलाकारी दिखाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा रोल होता है लहरे में वो होता है तबले वाले का। तबले वाला इसमें अपनी कलाकारी दिखाता है, एक गुन में, दुगुन में, चौगुन में और कहाँ तिहाई लगाना है, ये सारी कलाकारी तबले वाला दिखाता है। और हारमोनियम वाले के इसमें क्या फ़ायदा है, हारमोनियम वाले की इससे ताल पक्की होती है। यदि आप लहरा बजाते हैं तो आपकी जो ताल पे ज़बरदस्त पकड़ आ सकती है, तो इसलिए आपको लहरा भी सीखना है, लहरा भी बजाना है, इससे आपकी ताल पक्की होगी और आपकी जो फिंगर है वो सेट होगी ताल के हिसाब से। तो अलग अलग रागों में अलग अलग लहरें हैं। तो फिलहाल ये जो लहरा है काफ़ी प्रचलित है, तीन ताल का लहरा। तो ये तीन ताल का लहरा मैं आपको बताने वाला हूँ और जो राग चंद्रकोंश में है और काफ़ी फेमस है। वैसे तो इसमें आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन बहुत आसान पद्धति में अलग अलग टेम्पो में आपको मैं करके बताऊँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राग चंद्रकोंश के स्वर समझ लेते हैं। मैं केवल आपको यहाँ पर स्वर ही बता रहा हूँ, हम राग नहीं सीख रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, केवल आपको सिंपल सिंपल स्वर बताऊंगा, इन्हीं स्वरों पे आपको ये बजाना है और फिर इन स्वरों को गा करके भी बताऊंगा, फिर जो तबले के बोल है उनको भी गा के बताऊंगा इन्हीं स्वरों पे और नंबर को भी गा के बताऊंगा और फिर अलग अलग टेम्पो में 80 टेम्पो से मैं शुरुआत करूंगा, तो हम 300 तक इसको ले जा सकते हैं, 300 से ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो जितना होगा मैक्सिमम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और वीडियो कोशिश करूंगा ज़्यादा लंबा ना हो, तो आप लोग बने रहें। तो आइए सबसे पहले राग चंद्रकोंश के स्वर समझ लेते हैं और कौन कौन से नोट्स आपको यहाँ पर बजाने हैं। देखिए राग चंद्रकोंश मालकोंश से मिलता जुलता राग है, केवल थोड़ा सा फर्क है, मालकोंश में कोमल निषाद का प्रयोग होता है और चंद्रकोंश में शुद्ध निषाद का प्रयोग होता है, बाकी वही स्वर रहते हैं जो राग मालकोंश में होते हैं। वही स्वर देख लेते हैं, सा ग म ध नि सा सा नि ध म ग सा, इसे देखिएगा हैं सागामा धानी सा, शुद्ध निषाद का बस थोड़ा ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले इसके स्वर देख लेते हैं कि जो स्वर इसमें प्रयोग होंगे लहरे में वो कौन कौन से होंगे। देखिए सबसे पहले सा से हम शुरू करेंगे, 16 मात्रा में इसको हमें गाना है, तीन ताल में, थ्री ताल में, और जो लय है इतनी बढ़ती है, आपको बहुत कम टेम्पो से शुरुआत करनी है। मैं बताऊंगा आपको कहां से आपको उठाना है, कौन से टेम्पो से आपको शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले मैं नोट्स आपको बता देता हूं, 16 जो मात्रा है हमारे, उन 16 मात्रा में कौन कौन से स्वर प्रयोग होंगे। देखिए सबसे पहले सा से हम शुरुआत करेंगे, तो सा में चार आएंगे, ऊपर स्क्रीन पे आपको आ रहा है, देखिएगा पहली मात्रा हमारी यहां शुरू होगी सा से, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार, सा 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 चार बार है, तो चार मात्रा पे आपको केवल एक ही नोट लेना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह पे आपको ये दोनों सुन लेना है, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ओके। बारह पे बस आपको दोनों नोट्स लेना है, ध्यान रखना, फिर से देख लीजिए, उसके बाद मैं ताल के साथ आपको बताऊंगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए इसको बोल के साथ देख लेते हैं, अभी मैंने आपको नंबर के साथ बताया, बोल के साथ देख लेते हैं, इस तरीके से, ओके। आइए
ताल के साथ देखते हैं, टेम्पो भी मैं 80 ले रहा हूँ और तीन ताल के बहुत सारे वेरिएशन हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, तो आपको ये ता जो बजता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं तिट भी बजता है 13वीं मात्रा पे, तिट धिन धिन धा ऐसे करके, तिट धिन धिन धा या फिर ता धिन धिन दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो मैं ताल बता रहा हूँ उस ताल में तिट बज रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तिट भी हो सकता है ता भी हो सकता है, बहुत सारे प्रकार हैं, बस आपको 16 मात्रा का ध्यान रखना है। ओके आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले 80 टेम्पो पे देखते हैं। अभी तीन ताल बज रही है, देखिए धा तिन तिन ता ता धिन धिन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिट धिन धिन धा सा 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 आपको इस तरीके से करना है। नंबर भी बोल सकते हैं आप, तबले के बोल भी बोल सकते हैं, स्वर भी बोल सकते हैं, मैं तीनों आपको बता दिया है। आइए टेम्पो बढ़ा लेते हैं, अभी 30 टेम्पो में बढ़ा रहा हूं, 30 टेम्पो करके आपको बताऊंगा बढ़ाते बढ़ाते। देखिए 110 टेम्पो हो गया, देखिएगा 110 पे कैसे इफेक्ट आएगा। टेम्पो बढ़ा सकते हैं और स्पीड ले सकते हैं। तो पहले तो आपको अपने फिंगर सेट करनी है अलग अलग बिट्स में, अलग अलग टेम्पो में, मात्राओं का अभ्यास करना है, फिर बोल का अभ्यास करना है, फिर स्वर का अभ्यास करना है, और फिर धीरे धीरे आपको टेम्पो बढ़ाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी ताल पे भी जबरदस्त पकड़, उनको बहुत सारे लोगों को ताल की प्रॉब्लम आ रही है तो वो चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं, इससे आपकी ताल पक्की होगी और आपको अलंकार गाने में भी आसानी होगी और आप लेरा भी बजा पाएंगे, आपकी ताल भी पक्की होगी, एक गुन में दुगुन में स्पीड में भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस लहरे का अभ्यास कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो चैनल के माध्यम से जुड़ करके मेंबरशिप लेकर के भी आप मुझसे संगीत संबंधी हेल्प ले सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन आ रहा है। और यदि आप चैनल के मेंबर बन जाते हैं तो जो भी आप कमेंट करेंगे, जो भी मुझसे पूछेंगे, मैं उसका जवाब भी दूंगा, आपकी हेल्प भी करूंगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम कुछ बात कर सकते हैं। तो बहुत कम अमाउंट है, यदि आप फाइनेंस से सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और यदि आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप लाइफ टाइम के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं, केवल आप मुझसे एडवाइस चाहते हैं, यदि आप संगीत सीख रहे हैं आपको केवल मुझसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो आप 1100 रुपीज़ पे करके वन टाइम पे करके लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं। और तब यदि आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई भी करूँ। कई सारे लोग बहुत सारे मैसेज भेजते हैं, सभी को रिप्लाई कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए एक छोटा सा अमाउंट मैंने रखा हुआ है ताकि वही लोग मुझसे जुड़े।
जिनको वाकई में संगीत सीखना है, जो संगीत संबंधी हेल्प चाहते हैं। इसलिए आपको 1100 रुपीज़ दक्षिणा भेजनी पड़ेगी ताकि मुझे श्योरिटी हो जाए कि आप वाकई में संगीत सीखना चाहते हैं, तो मैं आपका कुछ रिप्लाई करूँ, कुछ आपकी हेल्प करूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अंदाज में फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।